हरे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली सबसे सुपर फास्ट और सबसे सस्ती ट्रेन के बारे में। अगर आप भी दिल्ली से हरिद्वार जाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। वैसे तो दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं, लेकिन आज जिस ट्रेन की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं उस ट्रेन में कुछ खास बातें हैं। अगर आप हरिद्वार उस ट्रेन द्वारा जाते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस ट्रेन में क्या क्या खासियत है। सबसे पहली खासियत यह है कि यह ट्रेन दिल्ली से बनकर चलती है। दिल्ली से बनकर चलने से इसका यह फायदा रहेगा कि यह ट्रेन कभी भी चलने में लेट नहीं होगी। पीछे से आने वाली ट्रेनें अक्सर लेट हो जाया करती हैं। यह दिल्ली से बनकर चलेगी तो नेचुरल बात है यह लेट तो कभी भी नहीं होगी। हां, आगे जाके लेट हो जाए तो वो बात अलग है। यह दिल्ली से देहरादून तक चलने वाली ट्रेन है। छोटे रूट की ट्रेन है इसलिए ज्यादा समय भी नहीं लेती। दिल्ली से हरिद्वार तक जाने के बीच में इसके मात्र 6 स्टेशन आते हैं, इसलिए बहुत ही कम समय में आपको दिल्ली से हरिद्वार तक पहुंचा देती है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी ट्रेन सेकंड सीटिंग की है, यानी कि इसमें स्लीपर का कोई भी कोच नहीं लगा हुआ, इसलिए आपको इसका ज्यादा महंगा टिकट भी नहीं लेना होगा। आपको सेकंड सीटिंग का टिकट लेना है जो कि बहुत ही सस्ता होता है, और आपको जनरल डब्बे में भी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। ये छोटे रूट की ट्रेन है इसलिए इसमें टिकट भी बहुत ही आराम से मिल जाता है। जब भी आप यात्रा का प्लान करेंगे तो आप अगर एक हफ्ता पहले भी ट्राई करेंगे तो इसका टिकट आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इस ट्रेन के, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और मैं आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट भी बताता हूं, और साथ में मैं आपको बताऊंगा इसकी टाइमिंग के बारे में, इसके किराए के बारे में, और भी जितनी भी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में इस ट्रेन की पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यात्राओं से जुड़े वीडियो आपको मेरे चैनल पर हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको इस ट्रेन की पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन का नाम है देहरादून जन शताब्दी। इस ट्रेन का नंबर है 12055। ये दिल्ली से देहरादून तक चलने वाली ट्रेन है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर को 3:20 पर चलती है, और उसके बाद लगभग 4:13 की यात्रा को पूरा करने के बाद शाम को 7:33 पर यह हरिद्वार पहुंचा देती है। यह सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसमें आप सेकंड सीटिंग का और चेयर कार का, यानी एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। सेकंड सीटिंग के टिकट की बात करूं तो वो है लगभग ₹145 का, और चेयर कार की बात करूं यानी एसी वाले टिकट की बात करूं तो वो है लगभग ₹485 का। दिल्ली के बाद ये सिर्फ 6 स्टेशन पर रुकती है। दिल्ली के बाद इसका अगला स्टेशन है गाजियाबाद का, जहां पे ये दोपहर को 3:53 पर रुकती है। उसके बाद ये मेरठ सिटी में दोपहर को 4:32 पर रुकती है, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में शाम को 5:12 पर रुकती है। उससे अगला स्टेशन है इसका देवबंद का, जहां पे ये शाम को 5:32 पर रुकती है, और उसके बाद अगला स्टेशन आता है टपरी का, जहां पे ये शाम को 6:09 पर रुकती है, और उसके बाद इसका छठा रेलवे स्टेशन है रुड़की का, जहां पे ये शाम को 6:46 पर रुकती है, और बस उसके बाद अगला स्टेशन इसका हरिद्वार का आ जाता है, जिसका टाइम मैंने आपको बता दिया। ये शाम को 7:33 पर वहां पर पहुंच जाती है। और चलिए मैं आपको इसका लास्ट स्टेशन भी बता देता हूं। इसका लास्ट स्टेशन है देहरादून का, जहां पे ये रात को 9:10 पर पहुंच जाती है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और ट्रेन द्वारा हरिद्वार जाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों की जानकारी का एक वीडियो डाला हुआ है। और इसके अलावा भी आप मेरे चैनल पर जाकर हरिद्वार की पूरी यात्रा भी देख सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार तक की मैंने पूरी यात्रा उस वीडियो में दिखाई है। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट हो, अगर आप चाहते हैं आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री हरे कृष्णा।